स्टूडेंट्स, क्या हाल है? हम अपने टेंसेस के लेसन को जारी रखते हुए अगला टेंस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सिंपल, फेल हाल जारी सादा। उर्दू में इसको बनाने का तरीका पहले आप देख लें कि उर्दू के जुमलों के एंड पर क्या आएगा। कोई भी उर्दू का जो जुमला होगा उसके एंड पर जो आएगा वो है लफ्ज रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं, वो रहे हो वगैरह आएंगे। इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका मैं हर टेंस में बताता हूँ, इस टेंस में भी बता रहा हूँ। तरीका तकरीबन सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। उर्दू से इंग्लिश करने का तर्जुमा सबसे पहले आपका क्या आएगा जी? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा जी? हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा जी? इज और एम वगैरह आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगी। ये आपने याद रखना है कि क्योंकि ये टेंस इसमें ऐसे जुमले इस्तेमाल होंगे जो जारी हैं, यानी अभी जो काम हो रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिधर भी आई एन जी लगेगा तो वो कौन सा टेस्ट होगा? कंटिन्यूस। इसका बनाने का तरीका भी मैंने नीचे दिया हुआ है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम फर्स्ट फॉर्म के साथ कैरी आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। आगे देखते हैं, एक चीज़ आपने इंतहाई अहम है जहन में रखनी है कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई के साथ कभी भी इज नहीं लगेगा, ना ही आर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ यूज होगा जो एम होगा। और आगे जो आर है वो हमेशा जमा के साथ यूज़ होगा, प्लूरल के साथ, जैसे यू, दे या कोई भी प्लूरल नाम होगा अगर कोई, तो उसके साथ आर यूज़ होगा। तो इस जो है ये हमेशा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा, नाम होगा, तो उसके साथ इसका इस्तेमाल होगा। तो अगर आगे में मैंने फिर वो लिख दी है, एक बात रिपीट कर दी है कि यू हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल होगा। चलें जी, हमने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, जुमले वही हैं जो पिछले टेंसेस वगैरह में भी यूज़ हो रहे थे, सिर्फ उनकी शक्ल चेंज कर देते हैं हर टेंस के लिहाज से। देखते हैं जी जुमले। मैं हाथ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ हमेशा क्या आएगा जी? एम। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, आई के साथ हमेशा एम आएगा, कोई भी और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। वो तुम हाथ लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू के साथ क्या है जी? आ रहा है। वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, असलम इज राइटिंग अ लेटर, असलम एंड अकरम, ये अब दो आ गए हैं, जमा हो जाएंगे तो उनके साथ क्या जी? आर। असलम एंड अकरम आर राइटिंग अ लेटर। बस जी, ये आज था हमारा आज का टेंस। फिर हम इसको देखेंगे जी, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने टेंसेस के सिलसिला को जारी रखते हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आवाज़ आपने नेगेटिव बनाना है, तो ये इंतहाई आसान है। जिन बच्चों ने गौर किया है फेल हाल जारी पर, सदा पर, आप देख सकते हैं कि ये सारे टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फेल हाल जारी मनफी का, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, किसी चीज़ का इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ है, नॉट का। जिधर इज आर एम वगैरह आएगा उधर उसके आगे आपने सिर्फ नॉट लगा देना है उसको मनफी बनाने के लिए। देखते हैं जी, अपने जो हमने जुमले लिए हुए हैं सैम्पल के तौर पर, उन पर गौर करते हैं। मैं हाथ नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम हाथ नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो हाथ नहीं लिख रहा, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, असलम हाथ नहीं लिख रहा, असलम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, असलम और अकरम हाथ नहीं लिख रहे हैं, असलम एंड अकरम आर नॉट राइटिंग अ लेटर। आपने गौर किया कि सिर्फ इज आर एम के आगे अब मैंने नॉट लगा दिया, तो ये क्या बन गया जी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव बन गया है, यानी मनफी हो गया इसकी शक्ल, यानी नहीं वाली शक्ल बन गई है। कोई भी आपने बात करनी हो कि मैं ये काम नहीं कर रहा, तो उधर आपने क्या करना है जी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव फॉर्म को यूज़ करना है। चलें जी, अब इसको हम बनाएंगे जी इंटरोगेटिव। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की
انٹروگیٹر فارم کو ڈسکس کریں گے، فیل حال جاری سوالیہ، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جی، اس آر ایم کو آپ نے جملے کے سٹارٹ پہ لے آنا ہے، سبجیکٹ کو اس کے بعد لے کے آنا ہے اور ناٹ کو ہٹا دینا ہے، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور کوشچن مارک، جملے ہمارے وہی ہیں جو پیچھے سے چل رہے ہیں پچھلے ٹینسل سے۔ کیا میں خط لکھ رہا ہوں؟ ایم آئی رائٹنگ اے لیٹر؟ آپ نے دیکھا کہ آئی جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پر آ گیا اور ایم فرسٹ پہ چلا گیا ہے، یعنی کہ جملے کی ترتیب تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، ناٹ کو ہٹایا اور اینڈ پر کیا ہے جی، کوشچن مارک۔ کیا تم خط لکھ رہے ہو؟ آر یو رائٹنگ اے لیٹر؟ کیا وہ خط لکھ رہا ہے؟ از ہی رائٹنگ اے لیٹر؟ کیا اسلم خط لکھ رہا ہے؟ از اسلم رائٹنگ اے لیٹر؟ کیا اسلم اور اکرم خط لکھ رہے ہیں؟ آر اسلم اینڈ اکرم رائٹنگ اے لیٹر؟ صرف جملے کی ترتیب چینج ہوئی، ناٹ ہٹایا اور کوشچن مارک آیا، اور یہ ہمارا کون سا بن گیا جی، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، کون سی انٹروگیٹیو فارم بن گئی ہے۔ لے جی، یہ آج کا ہمارا ٹینس تھا جی، پریزنٹ کنٹینیوس۔ اب ہم پڑھیں گے جی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔